हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में टेंजेंट फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग कोटेंजेंट फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई करेंगे। टॉपिक है हमारा कोटेंजेंट फलन का प्रतिलोम। ध्यान दीजिएगा, कोटेंजेंट फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई करनी है तो इसके लिए फिर से क्या आपको कोटेंजेंट फलन को कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, परिभाषित करना होगा। वैसे आप लोग क्लास 11 में जानते हैं कोटेंजेंट फलन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। अब प्रतिलोम निकालना हो जिस भी फलन का, जिस फलन के बारे में कहीं प्रतिलोम के बारे में बात होती है, उस फलन को जरूरी होता है एकैकी आच्छादी का होना। अब एकैकी आच्छादी एक फलन के प्रांत और परिसर पर निर्भर करता है। एक इसका प्रांत में कितने अवयव है, परिसर में कितने अवयव है, प्रतिबिंब कितना बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉट को एक फलन मानेंगे, अर्थात ये मानते हैं, माना कि एक फलन इफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, किसके द्वारा, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स द्वारा परिभाषित है, ठीक है। अब देखिए ना, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स द्वारा परिभाषित होने का मतलब क्या होता है कि कॉट जो होगा आर टेंस टू आर पर परिभाषित होगा, एक्स एक वास्तविक संख्या, क्लियर ना। बट आपको पता है कि कॉट में जीरो का वैल्यू अपरिभाषित, कॉट में पाई का वैल्यू अपरिभाषित, तो इसके लिए ही कॉट के लिए प्रांत को निश्चित किया गया है क्लास 11 में। क्या बताया गया है, कॉट का प्रांत जो होता है आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि पाई पाई के गुणज को आर में से निकाल देना होगा, तब जाकर के फलन जो है परिभाषित होगा। अब फलन जो परिभाषित होगा, अब एकैकी आच्छादी होना निश्चित है अनिश्चित है दोनों हो सकता है। तो चलिए पहले हम इस चीज को लिखते हैं, क्योंकि कोटेंजेंट फलन का जो प्रांत है हम लोग क्लास 11 में जानते हैं उसके अनुसार लिखते हैं। चूंकि कोटेंजेंट फलन का प्रांत कितना है, आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जी एन पाई, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि जो कॉट है हमारा वो परिभाषित हो गया आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड टेंस टू आर। अब यह एक फलन हो गया क्योंकि पूर्णतः परिभाषित हो गया, ठीक है। बट आप क्या देख रहे हैं, यहां कुछ ऐसे अवयव हैं आर में से पाई के गुणज कि जिनका यहां कोई प्रांत में परिसर में कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, तो फिर से उनका कहीं ना कहीं दूसरे के साथ संबंध होगा। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, बहुएक फलन बनेगा। अपरंतु आपको क्या चाहिए, एकैकी आच्छादी चाहिए। प्रतिलोम संभव होने के लिए आपको एकैकी आच्छादी चाहिए, परंतु ये तो बहुएक हो रहा है, अर्थात काम क्या करना होगा हमें, इसके लिए जो प्रांत है इसको कुछ अंतरालों में तोड़ना होगा। अब वो अंतराल क्या है हम इनके ग्राफ से समझेंगे। जब हम कोटेंजेंट फलन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ अंतराल मिलेगा जिस अंतराल के अनुसार ये जो कॉट फलन है वो परिभाषित होगा एकैकी आच्छादी के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग कोटेंजेंट फलन के ग्राफ का डिस्कस करेंगे। देखिए इतना आप लोग नोट कर लेंगे और तब अगला पॉइंट डालेंगे आप लोग
कोटेंजेंट फलन का ग्राफ। चलिए देखिए हम लोग पढ़ डालते हैं कोटेंजेंट फलन का ग्राफ। देखिए वैल्यू आपको इसके लिए मालूम होना चाहिए, कोटेंजेंट फलन का ग्राफ। इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है वैल्यू मालूम होना चाहिए जीरो से टू पाई, कम से कम टू पाई तक, ताकि हम ग्राफ कर पाए। पाई बाई टू तक भी रहेगा तो भी ग्राफ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं ग्राफ आपका नहीं होगा। चलिए काम करते हैं, क्योंकि पहले से पता है कि r टेंस टू r है और एफ एक्स का वैल्यू शॉर्ट में कॉटेक्स वाला परिभाषित है जो कि बाबू y को निरूपित करेगा। हमने y मान लिया चर मान, तो आइए इस प्रकार से हम कुछ यहां मान लेते हैं टू पाई तक। देखिए टू पाई तक कुछ मान के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए वैल्यू रखा जाए एक्स वाई जीरो डिग्री पाई बाई सिक्स डिग्री रेडियन सॉरी पाई बाई फोर पाई बाई थ्री ओके, फिर बढ़ेगी पाई बाई टू आगे टू पाई बाई थ्री थ्री पाई बाई फोर फाइव पाई बाई सिक्स आगे बढ़िए पाई सेवन पाई बाय सिक्स फाइव पाई बाय फोर फोर पाई बाय थ्री थ्री पाई बाय टू आगे बढ़ेंगे फाइव पाई बाय थ्री सेवन पाई बाय फोर इलेवन पाई बाय सिक्स और लास्ट होता है टू पाई तक। हम यहीं तक लेंगे, इससे आप जा सकते हैं, अनगिनत है, निश्चित नहीं है कितना आप जाएंगे, आपकी मर्जी आप कितना वैल्यू लिखेंगे। चलिए अब हम लोग बारी बारी से वैल्यू का हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्ड के साथ और रखते जाएंगे। कॉर्ड जीरो का वैल्यू हमने क्या बताया बाबू अपरिभाषित, कॉर्ड पाई बाई सिक्स अर्थात 30 डिग्री के मान कितना है रूट तीन, ये कोई एक बटा रूट तीन और बाबू जीरो, ये तो आपको क्लास इलेवेंथ में टेंथ में भी पढ़े हैं। अब इसी के अनुसार मान जाएगा, देखिए यहां से यहां तक चतुर्थांश वन है, यहां से यहां तक टू है और यहां से यहां तक ये थ्री है, फिर यहां से यहां तक ये फोर है। देखिए चतुर्थांश के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दूं, ये एक होता है दो होता है तीन होता है चार होता है और चतुर्थांश में एक संबंध होता है कि एक के लिए जो कॉट फलन है प्लस होगा, दो के लिए कॉट फलन माइनस होता है, तीन में कॉट फलन प्लस होता है, चार में कॉट फलन माइनस होता है, यानी कि हम जो भी मान लिखेंगे उसके चतुर्थांश के अकॉर्डिंग प्लस माइनस का चिन्ह रखते जाए। देखिए माइनस एक बटा रूट तीन माइनस एक माइनस रूट तीन और अपरिभाषित, फिर आगे बढ़ेंगे अगला हमारा ये प्लस हो जाएगा रूट तीन एक एक बटा रूट तीन और बाबू जीरो, फिर आगे बढ़िए यहां बढ़ेंगे हम लोग तो फिर यहां निगेटिव वैल्यू माइनस एक बटा रूट तीन माइनस एक माइनस रूट तीन अपरिभाषित मिल गया। अब हम लोग दो अक्ष लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस पर ग्राफ को निरूपित करेंगे। देखिए अब हम यहां से दो अक्ष का बात करेंगे, दोनों पर हम दोनों साइड इसको दो भागों में बांट दिए, ये हो गया y अक्ष ठीक है, ये x अक्ष, दोनों पर 16 16 गिनिए कितना अंक है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, क्योंकि 17 में जीरो जो है तो पहले से फिक्स है, यानी कि 16 पॉइंट दीजिए आप, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ओके इतना ही कर लीजिए,
एक दो तीन चार पांच छह आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये वैल्यू आपका ये एक्स एक्स होता है और ये एक्स होता है। चलिए हम नंबरिंग भी करते पॉइंट का, इस पे लिख दें हम कितना कितना है, जीरो तक पहले से है। आइए पाई बाय सिक्स, पाई बाय फोर, पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, टू पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय फोर, पाई पाई बाय सिक्स, पाई बाय ओनली पाई, फिर बढ़ेंगे सेवन पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय फोर, फोर पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय टू, आगे बढ़ेंगे फाइव पाई बाय थ्री, सेवन पाई बाय फोर, इलेवन पाई बाय सिक्स एंड टू पाई, सेम बाबू इधर भी उतना ही लिखेंगे। देखिए पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय फोर, पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, टू पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय फोर, पाई पाई बाय सिक्स, पाई फिर सेवन पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय फोर, फोर पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय टू, आगे बढ़ेंगे फाइव पाई बाय थ्री, सेवन पाई बाय फोर, इलेवन पाई बाय सिक्स, टू पाई। ध्यान दीजिए अगर हम बाई तरफ जाएं माइनस, दाई तरफ जाएं प्लस, ये तो पहले से पता है। चलिए माइनस सब में आप यूज करेंगे, क्लियर। अब हम इस पर भी नंबरिंग करेंगे, इस पर यहां मैं एक ले लूंगा और यहां दो ले लूंगा, एक दो, आपको पता होना चाहिए ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। चलिए बाबू आप पॉइंट को प्लॉटिंग कीजिए, पॉइंट को प्लॉटिंग कीजिए और काम कीजिए। देखिए जीरो आई इंफिनिटी ये तो पॉसिबल ही नहीं, अपर वासी तो कहां से लेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पाई बाय सिक्स पर रूट तीन, देखिए पाई बाय सिक्स रूट तीन, रूट तीन का मान एक पॉइंट समथिंग होता है, सात तीन दो बस कुछ होता है, यानी कि लगभग ये वैल्यू होगा, देखिए यही होगा। पाई बाय फोर का वैल्यू एग्जैक्टली वन होता है, पाई बाय थ्री एक बटा रूट तीन, ये आधे से बहुत कम होगा, यानी कि लमसम यहां और फाइनली पाई बाय टू का जो वैल्यू होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, पाई बाय टू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्लियर ना। ये थोड़ा अच्छे से लिख दिया है, ये अब आगे बढ़िए थ्री पाई बाई फोर, थ्री टू पाई बाई थ्री का वैल्यू माइनस एक बटा रूट तीन, देखो माइनस एक बटा रूट तीन समथिंग यही पहुंच जाएगा, माइनस एक का वैल्यू कुछ यहां जाएगा और माइनस रूट तीन का वैल्यू ओके चलिए अब आगे बढ़िए। अगला पॉइंट आपका होगा फिर देखिए यहां से तो माइनस हमने कर लिया, अब सात पाई बटा छ का वैल्यू रूट तीन, सात पाई बटा छ के वैल्यू रूट तीन, हाँ पांच पाई बटा चार के वैल्यू एक, अब फिर चार पाई बटा तीन के वैल्यू एक बटा रूट तीन, क्लियर ना, और लास्ट में वैल्यू बाबू जीरो। फिर देखो माइनस माइनस एक बटा रूट तीन और सात पाई बाई फोर के वैल्यू माइनस में एक और इसका वैल्यू माइनस में रूट तीन, क्लियर ना, उधर हो गया। अब एक बात बता दूं मैं कि कॉट में निगेटिव का क्या वैल्यू होता है, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू ओनली कॉट थीटा, इस माइनस इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू ओनली थीटा होता है, कॉट का इसमें केवल थीटा होता है, यानी कि निगेटिव में अगर हम आएंगे नो चेंज जीरो कहते हैं। चलिए इधर भी प्लॉटिंग करें हम, फिर वही रूट थ्री इसका पाई बाय सिक्स का वैल्यू बाबू
रूट थ्री एक, एक बटा रूट तीन और पाई बाय टू पर जीरो। क्लियर? तो आगे बढ़िए फिर। माइनस पाई बाय सिक्स से रूट तीन, सॉरी कॉट माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है और ये वैल्यू एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक जो निगेटिव है, सॉरी यहां तक पॉजिटिव है, ये अब निगेटिव होगा, यहां से यहां तक पॉजिटिव होगा, यहां से यहां तक निगेटिव, और यहां से आपको यहां तक आ जाइए पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पाई बाय सिक्स का वैल्यू माइनस रूट तीन, देखिए माइनस रूट तीन समथिंग, यहां ये माइनस एक इमेजिन हम करके दिमाग में रखेंगे, और ये वैल्यू माइनस एक बटा रूट तीन समथिंग यहां हो जाएगा। अब देखिए इधर आइए, प्लस में एक बटा रूट तीन समथिंग यहां, इसके बाद माइनस एक, फिर आगे जाइए सॉरी प्लस रूट तीन, देखिए प्लस रूट तीन का वैल्यू समथिंग यहां जाएगा। ओके फिर अगला, ये जो प्लस है, प्लस है ये, इसका सबका वैल्यू आप माइनस में लीजिए। देखिए माइनस रूट तीन नीचे, देखिए माइनस रूट तीन कुछ यहां होगा, माइनस एक, माइनस एक का जो वैल्यू होगा समथिंग कुछ यहां होगा, और माइनस एक बटा रूट तीन का वैल्यू समथिंग यहां होगा, और ये तो वैल्यू जीरो ही है। फिर आप देखिए अब ये जो माइनस था अब वो प्लस हो जाएगा, पाई पाई बाय थ्री का वैल्यू एक बटा रूट तीन, देखिए ये कुछ होगा और इसका वैल्यू माइनस से प्लस एक हो जाएगा, और आगे इसका वैल्यू रूट थ्री हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने अभी यहां पे प्लॉटिंग कर लिया, अब इसे हम मिला देते हैं लाइन से, देखिए क्या बनेगा। इस प्रकार से लाइन मिलेगा इसका, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके ग्राफ आ गए कॉट फलन, ठीक है। कोडायनेमिक फलन में ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें क्या खास चीज है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी फलन का कोई भी ग्राफ पाई को टच नहीं करेगा, पाई के गुणज किसी को टच नहीं करेगा, उससे पास से गुजरेगा। देखिए जीरो का भी नहीं टच कर रहा है, इधर माइनस से भी टच नहीं करेगा, ये कहीं नहीं टच करेगा किसी को, पाई किसी भी गुणज को कहीं भी टच नहीं कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ओपन इंटरवल दे दें, अंतराल बना दे, खुला अंतराल के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए अबे यहां से यहां तक हम क्या तोड़ सकते हैं, माइनस टू पाई से माइनस टू पाई माइनस पाई, कोई भी एक वास्तविक संख्या, इसमें आप कोई भी मान रखिएगा हमेशा एक वास्तविक संख्या आएगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों पर अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। वैसे ही माइनस पाई से जीरो के बीच में
अगर हम एक यहां पर दे दें तो ये बनेगा माइनस पाई टू जीरो टेंस टू आर। कोई भी मान रखिए इसमें तो रियल नंबर वास्तविक संख्या का ग्राफ बनेगा, एक वो अंतराल तैयार होगा। देखिए वैसे यहां से यहां का अंतराल जीरो कॉमा पाई वास्तविक संख्या के लिए संभव है, वैसे ही यहां से यहां तक अंतराल पाई कॉमा टू आई टेंस टू, ऐसे ही बढ़ते जाएगा दोनों साइड में, दोनों ही साइड में ये बढ़ते जाएगा। एक खास बात, प्रत्येक अंतराल के बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है पाई, यहां से यहां तक की दूरी कितना है पाई, हर जगह डिस्टेंस कितना होगा पाई। अर्थात यदि आपको अगला पॉइंट लाना होगा तो पाई जोड़ दीजिए और पीछे को लाना हो तो पाई घटा दीजिए। क्लियर ना? तो बाबू इस प्रकार से आपका कॉट फलन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इस ग्राफ से हमें कुछ अंतराल मिल गए, इन अंतराल इन सभी अंतराल के लिए कॉट फलन जो है आपका एकाएकी आच्छादी परिभाषित है। तो चलिए उसे हम लोग लिख ले, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मान देते हम कोटेंजेंट फलन का प्रांत यदि माइनस टू पाई माइनस पाई माइनस पाई जीरो जीरो पाई पाई टू पाई इत्यादि अंतरालों पर परिभाषित हो, अंतरालों पर परिभाषित हो तो यह एक एकाएकी आच्छादी फलन होगा। ठीक है, एकाएकी आच्छादी फलन होगा। अब इन सभी अंतरालों के लिए हम सजा दें कॉर्टेक्स को एकाएकी आच्छादी के रूप में, ग्राफ को नोट कीजिएगा, ग्राफ नोट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि ये अंतराल कहां से आ गया। तो देखिए अर्थात कहने का मतलब यहां ये हुआ कि कॉर्टेक्स जो फलन होगा अगर माइनस टू पाई से माइनस पाई टेंस टू आर पर परिभाषित हो तो एकाएकी आच्छादी होगा, अथवा माइनस पाई से जीरो टेंस टू आर अथवा जीरो टू पाई टेंस टू आर अथवा पाई टू टू पाई टेंस टू आर, इन सभी के लिए इत्यादि के लिए इसके साथ साथ और भी संभव है अंतराल, इन सभी पर ये क्या है बाबू एकाएकी आच्छादी है। ठीक है, एकाएकी आच्छादी। अब जब एकाएकी आच्छादी है इसका मतलब है कि यह फलन का प्रतिलोम संभव है, अतः कोटेंजेंट फलन का उपरोक्त अंतरालों पर प्रतिलोम संभव है। क्लियर ना? अपन प्रतिलोम संभव है तो प्रतिलोम के लिए हम कुछ इसके परिभाषित कर लें, प्रतिलोम को कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आया ना कि ये जितने भी अंतराल मैंने लिखा आप और जैसे 2 पाई से 3 पाई 3 पाई से 4 पाई 4 पाई से 5 पढ़ा सकते हैं, जितना प्लस बढ़ेगा उतना माइनस इधर का पढ़ा सकते हैं, इन सभी के लिए सब शाखा हो गया, इन सभी के लिए एक एक आच्छादी फलन है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोटेंजेंट फलन को कैसे निरूपित किया जाता है इसके प्रतिलोम। तो देखिए कोटेंजेंट फलन के प्रतिलोम को कॉट इनवर्स द्वारा निरूपित किया जाता है।
कोटेंजेंट फलन के प्रतिलोम को कॉट इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। अर्थात कहने का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि यदि f such that x tends to y हो, आपको पता है इनवर्स क्या होता है, y tends to x, क्योंकि पहले से मालूम है कि cos x is equal to y, पहले मैंने लिखा है, पहले ही फॉर्मूला दे दिया इसी का, इसलिए x को अकेले करेंगे तो cos इनवर्स y, और ये परिभाषित होगा y tends to x, क्लियर ना। इनवर्स जो है उल्टा, इसका प्रांत इसका परिसर, इसका प्रांत इसका प्रांत इसका परिसर इसका परिसर इसका प्रांत बनेगा। इसके लिए दो खास चीजें जो काम आएंगे, cot inverse cot x अगर फाइंड करना हो तो देखिए cot x का वैल्यू y पुट कीजिए और cot inverse y का वैल्यू देन दीजिए, यहां जो थीटा रहेगा x वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अगला लिखेंगे हम लोग cot cot इनवर्स y, देखिए cot इनवर्स y का वैल्यू कितना है x, अब cot x का y, इस प्रकार से जो यहां वास्तविक संख्या y होगा वही रिजल्ट इसका y, क्लियर। तो अब जब cot इनवर्स परिभाषित हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग हम cot इनवर्स का परिभाषित यहां कर ले जो हमने प्रांतों को भी लिखा है। अतः cot इनवर्स सच दैट r टेंड्स टू माइनस टू पाई माइनस पाई, cot इनवर्स r टेंड्स टू माइनस पाई जी, cot inverse r tends to 0 to pi, cot inverse r tends to pi to 2 pi इत्यादि, ये सभी बाबू कोटेंजेंट फलन के प्रतिलोम की शाखाएं हैं, ये सभी पर आंसर सही होगा, ये सभी शाखाएं हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी शाखा है जिसका नाम होता है मुख्य मान शाखा, इसी से निकलता है मुख्य मान, यानी कि जीरो से पाई का जो परिसर होता है उस शाखा को मुख्य मान शाखा कहा जाता है, जिसके द्वारा मुख्य मान ज्ञात होता है। अगर मुख्य मान ना कहा जाए तो आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, इसमें से किसी पर भी संभव है, और जो मान आना चाहिए हमेशा जीरो से पाई के बीच, माइनस पाई से जीरो माइनस, मतलब उसके परिसर पर परिभाषित होना चाहिए। तो चलिए हम एक और परिभाषा लिखते हैं मुख्य मान शाखा का, देखिए इसको आप लोग नोट करेंगे, लिखना है मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा परिभाषित करें इसको, cot इनवर्स की वह शाखा जिसका परिसर 0 टू पाई हो उसे क्या कहा जाएगा बाबू, मुख्य मान शाखा कहा जाता है, क्लियर, क्या बोला जाएगा, मुख्य मान शाखा तथा इस परिसर पर परिभाषित cot इनवर्स के मान को मुख्य मान कहा जाता है, क्लियर, कहा जाएगा मुख्य मान,
तो इस प्रकार से इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात यहां कि कॉट इनवर्स का जो मुख्य शाखा होगा आर टेंस टू जीरो पाई होगा, साथ में कॉट इनवर्स एक्स बराबर जो वाई वैल्यू होगा बिलोंग्स करेगा जीरो टू पाई। तो बाबू इस प्रकार से हम लोग कोटेंजेंट फंक्शन के प्रतिलोम का थ्योरी क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग का अगला पॉइंट होगा कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम इस पर, कुछ एग्जांपल को देखा जाए जो भी क्वेश्चंस में हमें आ सकते हैं, कैसे उसको वर्क करेंगे हम इस प्रकार से करेंगे जो क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स किस पर निरूपित करें हम इसको, कॉट इनवर्स अगर आपको कह दिया जाए रूट थ्री निकालने के लिए, देखिए कॉट इनवर्स में कॉट में रूट थ्री कितने रेडियन का मान होता है, कॉट में रूट थ्री कितने रेडियन का मान होता है, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू होता है सॉल्यूशन उसको साइड से करते हैं। कॉट इनवर्स रूट थ्री तब क्या लगेंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई सिक्स, आपको भी मैंने पढ़ाया थ्योरी में कॉट इनवर्स कॉट एक्स का वैल्यू एक्स होता है, अर्थात cot इनवर्स cot पाई बाय 6 का वैल्यू पाई बाय 6, देखिए ये 0 टू पाई के बीच में